रुक करते हैं सोजत की ओर, जहां पर 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई मंत्रियों के जिले के मारवाड़ जंक्शन दौरे को लेकर पाली से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बद्री राम जाखड़ ने अपने तूफानी दौरे करते हुए कार्यकर्ताओं को पीले चावल बांटकर अधिक से अधिक संख्या में सभा में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। जाखड़ आज सोजत रोड कस्बे में पहुंचे। कस्बे के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाखड़ का जोरदार स्वागत किया। बद्री राम जाखड़ ने कहा कि 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, महासचिव अविनाश पांडे, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित कांग्रेस के कई नेता मारवाड़ जंक्शन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बद्री राम जाखड़ के साथ शोभा सोलंकी, प्रकाश सांखला, मनीष पालरिया, हरिराम ड्यूडी, मदन लाल गाची, चुन्नी लाल सिरवी, मिश्री लाल सिरवी, देवाराम चौधरी, नारायण लाल मेघवाल, माणक लाल मारू, विजेंद्र चौधरी, नारायण लाल जाखड़, विष्णु कुमार व्यास, नवरत्न मल शर्मा, वीरेंद्र पुनिया, कैलाश मालवीय, प्रदीप रणजीत सिंह, साबिर अली रंगरेज, कालू मारू, संजय जाजाट सहित कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हम सब जगह जा रहे हैं, हमारे नौकर सभा रखी हुई है, नौकर सभा में बताते हैं, सभा भी रखी है, नौकर सभा भी है और रोड शो भी है। हमारे राहुल गांधी जी ने और अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और पाली की जनता के ऊपर विश्वास जताया कि हम हमारे को वोट टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। मैंने विश्वास है पाली की जनता के ऊपर कि हमारे को वोट देकर जीता के भेजने के लिए। आज मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 2 तारीख परसों अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, अविनाश जी पांडे और रघु शर्मा ये सब आएंगे और हमारे दिग्गज नेता मीटिंग लेंगे यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन में। हम कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर और बहुत जोश में हैं और मीटिंग को सफल बनाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और विकास की बात तो हमारे पास में बहुत है, हमने तो विकास किया, बीजेपी ने किया विकास किया, कुछ नहीं किया विकास का भी। लोग कह रहे 70 साल में आपने क्या किया, अरे सुई नहीं बढ़ती देश रे, मैंने आज हवाई जहाज बन रही है देश में, इसे बड़ा काम क्या करेगा, कांग्रेस की देन है क्या? ये झूठ बोलने का एक उसका तो मुद्दा है, मोदी झूठ बोल रहा है। ठीक है, 15 लाख खाता में आया किसी के खाता में, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, किसी को 2 करोड़ नौकरियाँ मिली, इसलिए मैं सब हमारी तरफ से और पाली की जनता की तरफ से मैं अशोक जी और सचिन जी पायलट आएंगे उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ।